जो घटना होती है वो सबके लिए सरीखी होती है, मगर वो घटना के बाद आप क्या करते हो, आपका क्या रवैया, आप कैसे देखते हो, इसके ऊपर पूरा जीवन डिपेंड है। व्हाट हैपेंड इज नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट यू डू विथ व्हाट हैपेंड इज इम्पॉर्टेंट। जो तो सबके लिए सरीखा ही हो रहा है। लोगों के जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आते हैं, पैसे से टूट जाते हैं, बर्बादी हो जाती है, एक्सीडेंट होता है, कोई मर जाता है, या कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, या पूरा धंधा चौपट हो जाता है, या एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें आपको सब कुछ गंवाना पड़ता है, एकदम नजदीकी लोग गंवाने पड़ते हैं, पता नहीं एकदम सब सारा अंधकार दिखता है, मगर आप जो उसके साथ में व्यवहार करते हो, बाद में आपका जो व्यवहार होता है, बाद में आप जैसी दुनिया देखते हो, उसके ऊपर सब डिपेंड है कि आप क्या हो, आपका जीवन कैसा जाएगा। देखो, अरुणिमा सिन्हा एक वॉलीबॉल प्लेयर, नेशनल लेवल की फुटबॉल प्लेयर, 2011 में पद्मावती एक्सप्रेस में सफर कर रही थी, कुछ गुंडों ने अटैक किया और उसको ट्रेन से बाहर फेंक दिया। दुर्भाग्यवश दूसरी ट्रेन उधर से आ रही थी और उसका पैर कट गया, वो ट्रेन के नीचे बायां पैर कट गया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में उसका इलाज हुआ, मगर वो हारी नहीं। पैर कट गया था, पूरा जीवन बर्बाद होने पे आया था, मगर वो हारी नहीं। और उसने माउंट एवरेस्ट की जो कोच थी, माउंट एवरेस्ट जिसने सर किया था, हासिल किया था, उसको अपना कोच, वहां से कोचिंग लिया और माउंट एवरेस्ट जाने का तय किया। 2011 में एक्सीडेंट हुआ और उसके 2 साल बाद उसने माउंट एवरेस्ट काबिज किया। 2015 में उसको पद्मश्री दिया, इंडिया का चौथा ऑनर नेशनल अवार्ड, चौथा है, फोर्थ ऑनरेबल अवार्ड उसको मिला 2015 को। क्या है कि पैर कट जाने के बाद में तो लोग आत्महत्या कर देते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, अब सब कुछ निकल गया ऐसा लोगों को लगेगा, पर उसने बोला ठीक है पैर कट गया तो कट गया, क्या प्रॉब्लम है। और तभी भी बाद में वो पद्मश्री ले सकती है, तभी भी बाद में माउंट एवरेस्ट काबिज कर सकती है, माउंट एवरेस्ट पे जा सकती है। जब बायां पैर कटा हुआ है, प्रोस्थेटिक पैर लगा हुआ है, और वो एक फर्स्ट इंडियन वुमन बनी, एम्पिटी वुमन, कि जिसका पैर कटा हुआ है और उसने एवरेस्ट सर किया, काबिज किया। तो ये अरुणिमा सिन्हा की स्टोरी, जिससे आपको बहुत इंस्पिरेशन मिल सकता है कि जो भी हुआ वो सबके साथ में होता है, मगर जो हुआ उसके बाद में जो हुआ उसको आप कैसे रेस्पॉन्स करते हो, आप कैसा रेस्पॉन्ड देते हो, आप क्या करते हो। सो व्हाट हैपन्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट हैपन हैपन टू एवरीवन, बट व्हाट यू डू विथ व्हाट हैपन वो इम्पॉर्टेंट है। हमारा ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा और ऐसा लगता है कि लोग डाउन है, डिप्रेस्ड है, नर्वस है, उनको ये वीडियो से फायदा होगा, तो जरूर आपके दोस्तों को वीडियो शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।